शिमला के सुनसान रास्ते में हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा हमने कभी नहीं सोचा था। तो बात कुछ ऐसी है कि हम चार दोस्त होशियार बर्गर निखिल और मैं हम चारों राजस्थान से लेकर शिमला तक का टूर डिसाइड करते हैं और निकल पड़ते हैं शिमला की ओर। भाई साहब हाय कर दो ब्लॉगिंग जल्दी। हाय इन भैया से 87 है क्या हमारे भाई? राजस्थान में कितना है? 91 है। राजस्थान में 91 है, इतना फर्क क्यों है? 4.5 रुपए का भाई। तो गाड़ी की टंकी फुल करवा कर हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था भाई। और हम अपनी मस्ती करते हुए जा रहे थे और इससे बिल्कुल बेखबर थे कि शिमला से आते वक्त हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ट्रैवलिंग के टाइम हमें भूख लगने लगी थी तो हम कार को एक ढाबे पर रोक देते हैं। अभी हम आगे जाकर ढाबे में रुकेंगे और खाना खाएंगे। कितने पर? 11:30। कितने बज गए? 11:30। 11:30 पर खाएगा खाना? चटर पटर कौन सी होती है? कुछ भी खा ले, थोड़ा बहुत एक घंटे के लिए। गाइस हम कुछ चटर पटर लेने जा रहे हैं। यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे वैसे। चटर पटर बॉयज आर बैक। और ये मूतिया भाई, ये मूतिया हमारा कालू मूतने गया भाई। ओए मूतिये, खाने के लिए कुछ लेने जा रहे हैं ठीक है? चटर पटर भाई, ये चिप्स ले लिया। पैकेट कितने ले गया? फिर 3 ले लेते हैं। इसके 3 ले लें इसके। और ये गुटने ले यार, ये अच्छे होते हैं। ये भी ले लेते हैं। 2 पॉपकॉर्न है भाई, पॉपकॉर्न खाने की चीज होती है। फैंटा निकाल मैं, फैंटा दे। ए भाई फैंटा हो गई ठीक है। एक ले लेंगे भाई, एक ले लेंगे। टिमकन लेनी? ले 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 ले, दो ले लेना। तो फाइनली गाइस हमने खाने के लिए कुछ ले लिया है। ये देखो इतने पैकेट लिए हैं। वैसे ये खाने तो नहीं चाहिए पर और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। उस टाइम हम चटपटा भी नहीं सकते। टाइम देखो क्या हो रोज। दे आर वेरी भाई, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। थैंक यू। इंग्लिश मुझे भी आती है यार भाई, मुझे भी आती है भाई। निकल भाई इंतजार। और ये सब खरीद कर फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं और मस्ती मस्ती में ठीक 12 बजे हम ये सॉन्ग चला लेते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इसका फल हमें आने वाली रात में मिलने वाला है। तो 8 घंटे का सफर करने के बाद फाइनली हम शिमला पहुंच गए। फाइनली हम शिमला पहुंच चुके हैं। ये हमारा निकल ब्रो, कालिया पीछे पवन, और यहाँ पर क्या नाम भाई तेरा? राम राम जी, राम राम जी, राम राम। फाइनली शिमला अच्छे से घूमने के बाद अब हम शिमला से निकलने की सोचते हैं और रात के 10 बजे को निकल पड़ते हैं। और ये रात में चलने वाला डिसीजन सच में हमारे लिए बहुत खतरनाक होने वाला है क्योंकि हमने शिमला से निकलने का जो रास्ता लिया था जो हमें कम से कम टाइम में शिमला से बद्दी तक पहुंचाता है, बट ये रास्ता बहुत ही सुनसान है। बट इस रास्ते के बारे में हमें कुछ नहीं पता था तो हम बिना सोचे समझे इस रास्ते पर चल पड़ते हैं। और उस रास्ते पर ठीक 12 बजे हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। क्या क्या दिखा आपको बता भाई? अभी हम मतलब पीछे मोड़ पे हम जा रहे थे थोड़ा, मतलब तो वहाँ पे हमें मतलब औरत दिखी तो उसके अच्छा। बाल एकदम खुले थे और उसने रेड कलर ड्रेस डाली तो वहाँ पे बैठी थी हमारी। हमने गाड़ी एकदम दौड़ाई, उन्होंने बोला भाई रुकना मत, हम सीधे और सीधे अपने मंदिर में रुकेंगे भाई। बहुत शिमला से पार हुए कि नहीं, तभी तभी हमारी दोनों की नजर जाती है कि वहाँ पर एक लड़की बैठी थी।
जैसे मेरे दोस्त ने बताया, हमें सच में एक लड़की दिखाई देती है। उसके ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो पहाड़ों की तरफ फेस करके बैठी हुई थी। उसके बाल भी खुले हुए थे और ये देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। और सच में ये देखकर हम बहुत ज्यादा डर चुके थे और हम जल्दी से जल्दी इस रास्ते से निकलने की सोचते। बट मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा, ऐसे रास्तों पर कभी नहीं निकलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।